भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे, रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। व्हाट्सएप पर एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें अमित शाह अपने चुनावी भाषण में ये दावा कर रहे हैं कि अगर बीजेपी पार्टी 2024 के चुनाव के बाद सत्ता में आती है तो एससी एसटी तथा ओबीसी का आरक्षण समाप्त कर देगी। पर हमारे रिसर्च ने इस वीडियो को पूरी तरह फेक साबित कर दिया। दरअसल पिछले साल एक भाषण के दौरान अमित शाह गैर कानूनी ढंग से मुस्लिम को मिलने वाले आरक्षण के बारे में बात की थी। उसी भाषण के अलग अलग क्लिप्स को जोड़कर एक वीडियो इस प्रकार एडिट किया गया है कि उसका तात्पर्य ही बदल गया। जरा दोनों वीडियो को गौर से देखिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे, रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी एसटी और ओबीसी का है वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त। दोस्तों, मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, पर मेरा आपसे एक सवाल है। जो पार्टी पिछले 10 वर्षों से सत्ता में थी वो अपने चुनावी भाषण में अपने काम की कम और हिंदू मुस्लिम की चर्चा ज्यादा कर रही है। इससे भी काम नहीं बन रहा तो विपक्ष के मैनिफेस्टो को गलत तरीके से जनता में फैला रही है। अब बताओ, क्या आप अपना कीमती वोट ऐसे पार्टी को दोगे? मैं आपसे बस इतना कहूँगा कि भक्त बनो, अंधभक्त नहीं।